टॉकीज के बारे में जानना चाहूंगी, इसकी शुरुआत आपने किस सोच के साथ की थी? सबसे पहले मीडिया को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए हैं, थैंक यू किरण, आपका बोलते ना खजाना मुझे दिया आपने, जो खजानों को आपने रखा था घर में, खजाना इसलिए है क्योंकि आज इंडस्ट्री में जो भी इंसान काम करता है उसके लिए जो भी चीज़ वो बनाता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके लिए वो खजाना होता है, वो खजाना मुझे आपने दिया है और उस खजाने को मैं संभाल के मैं रखेंगे मेरे केजेट ऑफिस में। एंड मेरा जैसा प्रिया ने पूछा मुझे, जो ये केजेट ऑफिस में जब मैं शुरुआत किया था बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था मुझे, जो कल्याण जी बड़ा बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े यहाँ पर तुरम खान लोग बैठा हुआ है, तो तुम्हारा कहाँ पे तुम्हारा पड़े रहोगे तुम? मैंने बोला मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ पड़े रहेंगे, लेकिन इतना अच्छा है, इतना मुझे पता है 3 साल के बाद हर इंसान के जवान में केजे टॉकीज सुबह से लेकर शाम तक जवान में रहेगा, ये मैंने अपने आप से मैंने वादा किया था और ये सच होगा। जब मैं शुरुआत किया था तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कल्याण जी इतना लाख खर्चा होता है, इसका सर्वर जो है 1 करोड़ का होता है, इसका पूरा खर्चा 2 करोड़ रुपया है, कहाँ से तुम लेके आओगे, तुम तो गरीबों के एक्टर हो। तो मैंने बोला भाई मेरा मुझे 2 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे अच्छे इंसान चाहिए और अच्छे इंसान से और अच्छे जो बनाते हैं हमारे जो टॉकीज को जो बनाया है मेरे बहुत मेरे चाली भाई है काफ़ी लोग हैं उनकी दुआ से और मेरी 2 कंपनी के दुआ से ये टॉकीज मेरा बना है। और ये टॉकीज जब लॉन्च होने जा रहा था तो अभी लोग बोल रहे थे अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, तो वो आ गया गूगल प्ले स्टोर में। अब लोग बोलते हैं कल्याण जी कंटेंट कब आएगा, सब आ जाएगा, बच्चा छोटा है अभी पैदा हुआ है, बच्चा बड़ा होंगे उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होगा और जब बड़ा होता है तब बच्चा धमाल करता है, फिर मैराथन में दिखेगा। हाँ तभी मैराथन भागेंगे, तब लोग बोलेंगे जो बोलते थे केजे टॉकीज ये क्या टॉकीज है, तो आपको मालूम पड़ेंगे। एंड थैंक यू मेरे तमाम मेरे मीडिया मेरे भाई, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे किरण जी का जो फिल्में हैं तीनों फिल्में जी जो आप आज आपने रिलीज किया है, रिलीज करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिल्मों को कैसे लिए आपने और क्या क्या प्रोसीजर है? किरण जी मेरे एयरपोर्ट शो में आए थे और शाइन हमारे शाइन शेख जो है हमारा कास्ट डायरेक्टर, उनके आशीर्वाद से मेरी बड़ी बहन है वो इनसे मुलाकात हुआ था और इनकी मुझे एक चीज़ मुझे अच्छा लगा जो अच्छा नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए मेरा प्रेरणा बन गया है, जो मैं भी बहुत यहाँ पे बहुत कष्ट किया इस मुंबई शहर में, सब मीडिया वाले को पता है, सबको पता है, लेकिन मुझे लगता है वो कष्ट कुछ नहीं है, मतलब इनको देखने के बाद, इनके जज्बा को देखने के बाद, इनके जुनून को देखने के बाद मैं जो वो कष्ट किया वो कष्ट कुछ नहीं है। मतलब मैं जब वहाँ पे गया तो उनको मिला, जब मैंने बैठा शो में, मैंने आप बैठोगे यहाँ पे सर कि दूसरों का गम देखा तो मेरा गम या भूल गया ना सही में सर अखिलेश भाई सही में मैं भूल गया हूँ गम, क्योंकि मैं जब इनसे बातें किया तो इनका अंदर जो स्ट्रांगपन था, मतलब वो लग रहा ही नहीं है जो भाई एक मतलब इनके अंदर वो चीज़ कमी है कहीं बदन में, वो मुझे लगा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगा एकदम फिट, एकदम फिट है किरण, एकदम फिट है। और के राशि है, के राशि कभी जिंदगी में रुकता नहीं है, हार नहीं मानता है, तो ये ऐसा ही है। तो उन्होंने बाद में उनसे मेरा एक लगाव हो गया, ये मुझे रोज़ फ़ोन करने लगा कल्याण जी मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा और केजे टॉकीज में मेरा मेरे जो खजाना है, मेरा जो शॉर्ट फिल्म है वो रिलीज़ करना है। उसके बाद बीच में हम लोग थोड़ा रुक गए थे, मेरा काम था, बहुत सारे काम चल रहा था, तो उन्होंने बोला नहीं कल्याण जी कोई कुछ भी बोले लेकिन केजे टॉकीज में मुझे रिलीज़ करना है, इसीलिए मैं प्राउडफुल कर रहा हूँ आज। वो तमाम जो लोग जो मुझे बोलते थे मेरी पीठ पीछे, जो कल्याण जी तुम क्या करोगे, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ जो किरण जैसे मेरे भाई मेरे सर जिन्होंने बोला कल्याण जी नहीं मुझे केजे टॉकीज में मुझे रिलीज़ करना है, तो मैं जीत गया हूँ। किरण थैंक यू सो मच जो आपने मेरे ऊपर इतना निर्भर किया है, एंड थैंक यू सो मच मेरे एसोसिएट पार्टनर मेरे वीरू जैन, एंड थैंक यू मेरी जो मेरा पूरा संभालते हैं मेरी चाली भाई, और थैंक यू सो मच मेरी तमाम टीम जो मेरे तमाम मेम्बर है जो मेरे हर वक्त मेरे फेसबुक पे जो भी मैं डालता हूँ उनको शेयर करते हैं। और किरण जी के पिता माता बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लगा उनको मिल के, और उनका भी तो मैं देखा जब मैं जो नहीं मेरा बेटा जो है वो शेर है, और सही में वो शेर है, आप सही में शेर हो, और इनके अंदर कोई भी चीज़ जब बोलते हो ना कैसे करोगे, नहीं मैं कर लेगा, कैसे करोगे नहीं मैं कर लेगा, मेरे डिक्शनरी में नो शब्द है, हाँ नो शब्द नहीं है, ये शब्द है, और मेरा भी ऐसे ही है, यस है, तो अच्छा लगा।
जो कोई टक्कर वाला कोई इंसान मुझे मिला। और कल्याण जी, ये फिल्मों की बात करें, तीनों फिल्में किस तरह की फिल्में, और क्या अगर केजे टॉकीज पे कोई फिल्में आती हैं तो एक अच्छी ही कंटेंट को आप होगी वो, या फिर कोई भी आता और हर किसी के एंट्री होगी इसमें? केजे टॉकीज का मेरा एक ही एक लाइन है, अगर आपके पास कंटेंट है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास कंटेंट है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है। ये तमाम हिंदुस्तान में तमाम वो मेकर वो ढूंढता है जो मैं कहाँ पे लॉन्च करूँ, एक ही जगह है वो यूट्यूब, वहाँ वो चला देते हैं। ये बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म है, चप्पल घिसवाता है, 6 महीना घुमाता है झूठ बोलने का, डिपॉजिट के नाम पे 1.5 से 2 लाख रुपए वो लेने का, ऊपर से क्या बोलना है 5 लाख का 6 लाख का एपिसोड, एक एपिसोड का आपको मैं 7 लाख रुपए देंगे। बहुत सारे लोग बना के लेके आते, बेचारा शूटिंग करके लेके आते हैं, 7 लाख रुपए खर्चा करते, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद, लेके आने के बाद जब जमा करते हैं 6 महीने में आपको मिल जाएगा, वो 6 महीना कभी नहीं आता। मतलब कंटेंट मेरा, मेहनत मेरा, सब कुछ मेरा, और प्रोड्यूसर में उनका नाम, रिलीज में उनका नाम, और जिसने दिया उसका नाम है को प्रोड्यूसर में। तो वो छल कपट जो हो रहा है आज के OTT प्लेटफॉर्म के पास, वो चीज़ मेरे पास नहीं होगा। वो जो घुमाते हैं, वो जो चप्पल घिसवाते हैं, आज नहीं कल आओ, मीटिंग नहीं आपका मेल आएगा, आपका जवाब आएंगे, अब आओ, उसके बाद एक लड़की आती है, उसको ऑफिस में लेके जाते हैं, समझाते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, अरे आपको ऐसा नहीं है, उसके बाद 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट के तौर पे देना है, काहे का 1.5 लाख रुपये देना है भैया। ये तमाम जो चल रहा है आज OTT प्लेटफॉर्म में, उनकी पर्दाफाश करने के लिए, और जो चल रहा है जो नारियों का अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से गंदगी मचा हुआ इस इंडिया में, इस वेब सीरीज के माध्यम से जो गंदगी है, जो गाली गलौज, जो माँ बहन के ऊपर गाली गलौज जो चल रहा है, वो चीज़, वो गंदगी, वो टू पीस, वो कपड़ा खुला हुआ और नंगापन, वो मेरे में नहीं होता। मेरे पे तो टू पीस भी नहीं रहेगा भैया, नंगापन तो दूर की बात है। मेरे टॉकीज के अंदर टू पीस भी मतलब ना बिकनी जिसको बोलते हैं, वो नहीं रहेगा भैया। मेरे पास मेरे टॉकीज में ना गंदगी रहेगा, ना टू पीस रहेगा, सादा शुद्ध शाकाहारी रहेगा, मतलब एकदम शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, नो 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 नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात बोलने का ये है, जो OTT वाले जितने भी लूट रहे हो ना, आप सुन लीजिए मीडिया के माध्यम से, करो करो, आज मैं चुपचाप हूँ, 2021 में सबको लेंगे, क्योंकि क्या है, जितना करोगे, जितना लोगों को दुखाओगे, आप भी दुखोगे। लोग कहता ना, इस मोड में हम किसी को दुखा रहे, तो उस मोड में तुमको भी दुखने के लिए खड़ा हो जाना भैया। तो किसी को बेवकूफ़ बनाओगे ना, दूसरा मोड में खड़ा है वो बंदा तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो मेरा ख्याल इतना ही बोलना है आप सभी को, केजे टॉकीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके पास कंटेंट है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, अच्छा चीज़ लेके आओ, अच्छा कंटेंट लेके आओ, एक अच्छा स्क्रिप्ट आप बना के आप लेके आओ, मैं आपका कंटेंट को लेने के लिए तैयार हूँ। और केजे टॉकीज हम आप सबके लिए है, हम ये भी करने जा रहे हैं, आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में, उस शहर से मुझे मत मिलने आओ बॉम्बे, उस शहर में आप सिर्फ लॉगिन कर आप करो, आपके पास OTP आएगा, उस OTP से आप उसी शहर से आप अपलोड कर सकते हो केजे टॉकीज में। हम ऐसे भी सिस्टम कर रहे हैं, आप मुंबई में आने का एग्रीमेंट करने का, सीधा आपका एग्रीमेंट आपके मेल में जाएंगे, और जिस शहर में आप रहते हो, उसी गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वहां पे OTP आपके पास आएगा, OTP जनरेट होगा, और डायरेक्ट अपनी जगह से आप वहां पे अपलोड कर सकते हो केजे टॉकीज में। ये डाउनलोडिंग नहीं है हमारा टॉक, स्क्रीनशॉट नहीं है, सिर्फ शेयरिंग का ऑप्शन है, आप शेयर कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते वीडियो को, ना स्क्रीनशॉट आप मार सकते हो। और ये टॉकीज आज बच्चा है, आज लोग हंसेंगे, ये क्या लेके आया कल्याण जी केजे टॉकीज, पगला पगला हो गया लगता कल्याण जी, थोड़ा कम हो गया इसका, मानेंगे बोलेंगे 1 साल कि तमाम जो मीडिया आया ना आज, 1 साल के बाद मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस केजे टॉकीज में, सुबह उठ के भी नाम नहीं लिया ना, बॉम्बे छोड़ देगा, ये कल्याण जी बोल रहे हैं बॉम्बे छोड़ देगा 1 साल के बाद। ये तमाम जो भी टॉकीज चल रहा है ना, भूल के अगर मेरी टॉकीज का अगर नाम नहीं ला तो मैं मुंबई छोड़ देगा भैया, ये कल्याण जी बोल रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच, मुझे आप विश्वास करके मेरे टॉकीज पे आपने 3 शॉर्ट फिल्म आज
शुरुआत हुआ, जय गणेश हुआ, हर हर महादेव हुआ, और किरण जी को मैं सबके सामने बोल दूँ मैं इसको मेंबर बना रहा हूँ के जो टॉकीज के अंदर, और जिस मेंबर बनने के लिए मैं पैसा लेता हूँ, फ्री में नहीं करता भैया, के जे टॉकीज के अंदर मेंबर बनाने का, इनको मैं फ्री में मेरे साथ जुड़ा हूँ और सबके सामने बोल दूँ पहले, क्योंकि बहुत लोग मेंबर बनने के लिए आ रहा है, बोलेंगे फ्री में कैसा होगा, फ्री में नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, सभी इनके लिए है, और इनकी इनको देखते हुए मैंने वो निर्णय लिया है मेरी टीम ने, और साथ साथ में ये जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे और हम लोग साथ में काम भी करेंगे, और 24 जनवरी को जो मेरा फैशन शो हो रहा है, मेरा अवार्ड शो हो रहा है, उसमें भी किरण जी मेरे साथ है ना, पक्का बोला किरण जी, पक्का बोला, 100% बोला, 101% मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और साथ में हम लोग एक फैशन शो कर रहे हैं जिसका नाम है आई मिस्टर एंड मिस आईकॉन दार्शनिक मुंबई 2021-24 जनवरी को द ग्रैंड पेनिनसुला होटल अंदर ईस्ट साकिनाका पे, और शाम को हो रहा है द वेरी सिक्स ईयर हो गया है, ये 7 ईयर्स हमारा कंप्लीट होगा 2021 में 24 को एक ग्रैंड पेनिनसुला होटल में दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड 2021 जिसमें काफ़ी सारे मीडिया को हम अवार्ड दे रहे हैं, वो शैलेश भाई मुझे सबका नाम देंगे, और शैलेश भाई आप सबका नाम देंगे और हमारे सबको हम देंगे, और जो जो मीडिया को मैंने वादा किया है, सबको नहीं जिनको मैं वादा किया हूँ, नहीं तो बाद में भाग के आएंगे मुझे मानने के लिए, तो मैंने जिसको वादा किया, जिसको मैंने वादा किया है, शैलेश भाई के पास नाम है, उस मीडिया को हम सम्मान करेंगे, प्रेम करेंगे, उस दिन उनको आदर से जितना हो सके उतना आदर से उनका हम सम्मान करेंगे कि मीडिया है तो मैं हूँ, और जो मीडिया मेरे पीछे बोलता है आई लव यू, आप और बोलते रहो, और जो मेरे पीछे बातें करते हैं मैं चाहता हूँ और बातें करो, मैं और जितना बातें करोगे उतना आपको पानी पूरी खिलाएंगे, एंड थैंक यू सो मच वीरू जी, क्या बोलोगे? चलिए वीरू जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज किरण जी का जो तीनों फिल्में हैं आज के टॉपिक पर रिलीज हो रही है, कितनी खुशी की बात है, और क्या कुछ कहना चाहोगे और किरण जी के बारे में केजे टॉपिक? आप सभी को मेरा नमन, नमस्कार मीडिया वालों को सभी को, आज काफ़ी आनंद की बात है जो किरण जी ने जो 3 मूवी जो डाली है शॉर्ट मूवीज़, वो काफ़ी मीन्स जो नाम से इतना इंस्पिरेशन है उससे, तो देखने के बाद और काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अभी जो शुरुआत हुई है आगे और उसको मतलब काफ़ी आगे बढ़ेगा वो, और इसमें वर्गलिटी कुछ नहीं रहेगी केजे टॉकीज में, और मैं बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ उनके माता पिता को, मैं नमन करता हूँ, ये काफ़ी इंस्पिरेशन है इनके लिए, इनको देख के हमें काफ़ी मोटिवेट हो रहा है, ये काम जो कर रहे हैं मतलब ऐसे देख के भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो गुड विशेष एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच सुमन जी, जो सुमन जी हमारे केजे टॉकीज को उन्होंने बनाया है, उनकी पूरी टीम आईटी के बहुत अच्छे मतलब आईटी के बहुत अच्छे वो काम करते हैं और आईटी से है, और सुमन जी थैंक यू सो मच आपको केजे टॉकीज को बनाने के लिए, थैंक यू सो मच चार्ली, थैंक यू सो मच वीरू, थैंक यू सो मच प्रदीप जैन जो हमारे एसोसिएट सॉरी हमारे मेंबर है, प्रदीप जैन थैंक यू सो मच, प्रदीप जैन मेंबर है, एंड थैंक यू सो मच एसोसिएट पार्टनर वीरू जैन, मैं दिखाना चाहता हूँ केजे टॉकीज, अगर आप गूगल पे गूगल प्ले स्टोर में अगर आप जाएंगे तो ये है केजे टॉकीज, ये गूगल प्ले स्टोर में जब भी आप जाओगे तो प्लीज़ आप खाली केजे टॉकीज आप नाम डालोगे तो हमें ये है, इसको अभी तक गूगल ने 4.7 पॉइंट दिया हुआ है, 4.7 ये अभी चालू होके एक महीना नहीं हुआ है, ये कल एक महीना होने वाला है, तो गूगल ने क्योंकि गूगल से हमारा टाइप है हमारा, तो गूगल ने और 4.7 का हमारे व्यूज़ दिया है, तो मैं चाहता हूँ थैंक यू सो मच गूगल, एंड इतना अच्छा एक महीना अभी तक हुआ नहीं है, कल एक महीना हो रहा है इतना अच्छा रेटिंग देने के लिए, और ये बहुत ही प्यारा केजे टॉकीज, बस आप सभी का आशीर्वाद जितने भी यहाँ पर मीडिया पर्सन आए हैं, एंड थैंक यू सो मच शैलेश भाई एंड प्रिया जी एंड अखिलेश जी हमारे भाईजान साहिल भाई सुफियान भाई सलाम अलैकुम साहिल भाई सलाम अलैकुम सुंदर सिंह भाई मेरे थैंक यू सो मच सुंदर भाई सुफियान भाई साहिल भाई अखिलेश भाई शैलेश भाई और मेरी प्रिया बहन थैंक यू सो मच आप लोग आए और मेरी इस केजे टॉकीज को दिखाने के लिए प्रमोट करने के लिए
एंड थैंक यू सो मच, देखते रहिए आप केजे टॉकीज और डाउनलोड करते रहिए। आपका आपकी फिल्म जो है केजे टॉकीज पे आज रिलीज हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी है फिल्म, फिल्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है फिल्म रिलीज के अवसर पर। जी सबसे पहले तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे मुझ पर और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी और मेहनत करके जाऊँगा। मेरे परिवार वालों का साथ है, मेरे मॉम डैड जो मेरे खास है, हमेशा चाहे मैं रात को 2 बजे आऊँ या 3 बजे आऊँ वो हमेशा मेरे लिए रहते ही रहते हैं। और ख़ास करके मेरे जो 2 फ्रेंड है वो इस वक्त नहीं है कोई काम की वजह से, एक जो है दिलीप कटारिया और दूसरी है मेरी फ्रेंड रंजू शर्मा। दिलीप कटारिया समझो मेरा वो है, मतलब हम दोनों जहाँ भी होते साथ ही होते, मतलब फिलहाल इस वक्त ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम साथ में नहीं हैं। और मेरे मम्मी पापा का तो जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है मुझे, मेरे लिए आज वो नहीं होते तो शायद मैं ये स्टेज पर नहीं होता। हालांकि मेरी फुल फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और मेरी जो मूवी है एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स वो मुंबई फेस्टिवल में नॉमिनेट हो चुकी है, कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हो चुकी है। और आज कल्याण जी जाना को मैं शुक्रिया थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो मेरी फिल्म को आगे लेके जा रहे हैं और काफ़ी लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म, यहाँ पर ये मूवी रिलीज़ हो रही है मेरी। दूसरी फिल्म है लव लाइफ डॉट 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 वाइफ, वो भी दादा से फाल्के अवार्ड विनिंग मूवी है जिनका अवार्ड मुझे मिला है रिसेंटली और ये भी केजे टॉकीज पे रिलीज़ हो रही है आज। और थर्ड मूवी है मेरी द लास्ट विश, ये भी एक बहुत इमोशनल लव स्टोरी है जो लोगों को बहुत पसंद आएगी, ये भी मेरी थर्ड मूवी है जो केजे टॉकीज पे रिलीज़ हो रही है। तो एक साथ मेरी सारी मूवीज़ केजे टॉकीज पे रिलीज़ हो रही है और मैं कल्याण जी जाना का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो चीज़ वो मेरे लिए कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट करके आगे लेके जा रहे हैं, दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं जहाँ भी पहुँचता हूँ समझो मीडिया एक मेरा परिवार जैसा हो गया है, तो जब भी मैं मीडिया के सामने आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली कल्याण जी जाना, थैंक यू सो मच। ओके किरण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तीनों फिल्मों का सफ़र कैसे आ रहा और शूट के दौरान कोई ऐसी वाकया हो जो हमसे शेयर करना चाहें आप? देखिए शूट के टाइम तो सफ़र ऐसा रहा, मतलब प्रॉब्लम्स तो आती रह जाए बट आप किस तरह प्रॉब्लम्स को फेस करते हो ये आपके ऊपर है। तो मतलब कभी कास्टिंग में थोड़ी इश्यूज होते हैं या कभी कैमरा मैन क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बट मेरे पास मतलब एक ये रखता ही बैकअप प्लान होता ही है मेरे पास, एक नहीं तो दूसरा प्लान मैं लेके ही चलता हूँ, क्योंकि जो शूट मैं डिसाइड करता हूँ उसी दिन को मुझे शूट ख़त्म करना ही होता है भले चाहे कितना भी बचे, मतलब वो हम लोग का एक प्लानिंग होता है वो हिसाब से हम लोग चलते हैं। ओके कहाँ पे शूट हुई थी थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताएंगे ये और दोनों एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में बताएं कौन कौन था उसमें? तो एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स की जो मूवी है उसमें शिवानी कलकुटकर है हीरोइन में और उसने एक माँ का रोल किया है और एक छोटा बच्चा है कहान कपासी करके, तो ये मूवी उसके ऊपर बेस्ड है और एक नॉर्मल लड़का होता है। तो स्टोरी इसके ऊपर बेस्ड है कि एक लड़का बहुत अमीर होता है और एक लड़का बहुत गरीब होता है, तो वो हमेशा सोचते रहते मेरे पास क्यों नहीं है ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है। तो एक दिन वो फुटबॉल ग्राउंड पे जाता है खेलने के लिए और वो वहाँ पर बैठा होता है तो वो बोलता है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, बट वो बोलते रहे कि 24 घंटे में एक बार वो हो ही जाता है। तो जो लड़का बैठा होता है बेंच पे वो हंसता रहता है और वो उसकी आत्मा इसके अंदर जाती है और उसकी आत्मा इसके अंदर जाती है, तो बैठा हुआ लड़का जोर जोर से चीख रहा है रो रहा है मुझे क्या हो गया मुझे बचाओ बचाओ, बट वो एक्चुअली हैंडीकैप होता है वो लड़का, तो बोलता है ये तो मैंने गलत मान लिया, ये स्टोरी उसके ऊपर बेस्ड है। अच्छा सर अगर बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म की बात करते तो काफ़ी ऐसी प्लेटफॉर्म आई है जिसमें हम ये फिल्म रिलीज कर सकते हो, तो केजे टॉकीज क्यों ऐसा, मतलब ये तो अभी अभी लैब लॉन्च हुआ है तो इसमें जुड़ने का क्या कारण? देखिए एक तो मैं सबसे पहले तो जहाँ तक सबके ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, और जिस दिन मैं कल्याण जी जाना जी को मिला हूँ और वो क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी क्लिक हो जाती है ना, वो कनेक्शन एक दिल से मैच होता है, नहीं तो मैं कभी का कर चुका था बट मेरे को करना नहीं था ये मूवी रिलीज, तो इसलिए मैंने केजे टॉकीज को चुना।
ओके, थोड़ा सा जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे किरण जी, कि किस किस प्रकार से बॉलीवुड की जर्नी आपकी किस प्रकार से रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बॉलीवुड की जर्नी देखो, ऐसे तो मैंने 2015 में शुरू किया था, मतलब मैं पहले बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर्स, इवेंट्स वगैरह करता था, फिर केटरिंग भी करता था, केटरिंग मेरा मेन था। वहाँ से जो पैसे आते थे मेरे पास, वो मैं मॉडलिंग्स के, मुझे इंक्वायरी है, वहाँ से मॉडलिंग किया, वहाँ से कास्टिंग की मैंने, शाइन शेख करके है मेरी कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत अच्छा मानती है मुझे, मुझे छोटा भाई मानते हैं, वो भी काफ़ी मेरी हेल्प करती है। और वहाँ से फिर मैं जैसे ही, मतलब जो इनकम आती थी उसमें आते गए पैसे, और मैं मूवीज़ लेते गया। मेरे पास स्क्रिप्ट तो अभी भी बहुत है, बट मैं नहीं करता हूँ, जब तक मैं नरेशन नहीं होता मेरे साथ प्रॉपर, तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे सुनता नहीं हो सारी इसके, मतलब एकदम शांति से, तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ। और बॉलीवुड में मतलब अभी बैकग्राउंड तो कोई भी नहीं था, बट डेस्टिनी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरे मॉम डैड का आशीर्वाद है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे अच्छे ही हो रहे हैं मेरे साथ। ओके, मॉम के पास चलते हैं। मम्मी कैसा फील कर रही हैं आप किरण के उस पर, प्राउड फील कर रही हैं ऐसे बेटा? प्राउड फील। ओके, कैसा कैसा कुछ उसके बारे में, किरण के बारे में थोड़ी सी बताएं हम उनको, कैसा बिहेवियर है घर में, कैसे रहते हैं, आप लोगों को कितना प्यार मोहब्बत करते हैं? घर में शॉर्ट टेम्पर है घर में। अच्छा, ओके। लेकिन करता है बहुत अच्छा, और मम्मी की बहुत चिंता करता है, कुछ भी मम्मी को होएगा तो रात को भी बोलेगा, मम्मी दवाई ली, मम्मी ये किया। ओके, पापा भी है, मुस्कुरा रहे बाजू में। कुछ शेयर करना चाहेंगे पल सर, आप अपने किरण जी के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? शेयर क्या करेगा, आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, इन स्पाइट ऑफ ऑल द माइनस पॉइंट, ही हैज कम टू द स्टेज। सर अगर बात करें, आई एम वेरी हैप्पी। मैं अगर बात करें तो इस समय भी उनमें इतना हिम्मत है, उनमें इतना जज्बा है, ये आपके वजह से ही है, तो आप एक तरफ से उसकी हिम्मत ही हो। उन्होंने मुझे सिखाया बेटा, शुरू किया है तो फाइट टू विन, नॉट टू लूज, जब मेडल पे गिरा हो तो दैट इज द मोटो इन माय लाइफ, एंड टू आई गिव दिस मोटो टू माय चिल्ड्रन आल्सो, ऑलवेज फाइट, बट फाइट टू विन, नॉट टू लूज। मैम आप क्या कुछ शेयर करेंगे किरण जी के बारे में, कैसी? बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा भाई है लेकिन अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, इतना ये होने के बाद भी अच्छा कर रहा है, वेरी गुड। किरण जी के बारे में अगर उनकी रूटीन की बात करें तो क्या रूटीन कैसा है, कब सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? भगवान का नाम लेता है, सब घर में सब पूजा करते हैं, सब करते हैं। अच्छा, रूटीन अच्छा है वो लोग का, सब कैसा फिर, मतलब उठ के योगा करना, ये करना, क्लास करना, इस तरीके सब सब करते हैं। अच्छा, मम्मी कुछ बताना चाहेंगी क्या क्या करता है उठते, सुबह उठते उठते क्या करता है? सुबह 5:30 बजे उठ के उसका नित्य क्रम बताता है, बट फिर स्नान करके 2 घंटा पूजा करता है, तभी हम लोग कोई अंदर नहीं जाता है। सूट हो, कोई सूट जल्दी होएगा तो जल्दी 2 बजे उठ के करेगा पूजा, लेकिन पूजा करके भी नहीं जाता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, दिस इज माई डॉटर, मेरे बड़े लड़के की वाइफ है, शी इज जस्ट लाइक एवरीथिंग, शी इज द पिलर ऑफ दिस फैमिली, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड टू मी, ये नहीं होने से मेरा फैमिली नहीं चल सकता, शी हैज सैक्रिफाइस सो मच। किरण जी आप क्या करते हैं सुबह उठ के, कैसे करते हैं? सुबह उठ के सबसे तो शुरुआत कैसे होती है, नहाने के बाद मैं पूजा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे जिम है तो शायद वो भी करता हूँ कभी कभी, अभी तो लॉकडाउन है इसलिए बंद है, जिम भी जाता हूँ, मतलब अच्छा जिम भी करते हैं? हाँ, ट्रेडमिल में चलता हूँ मैं। ओके, ओके। और उसके बाद फिर मेरा ब्रेकफास्ट हो, फिर मैं 10 बजे काम पे लग जाता हूँ, मतलब मीटिंग्स होती है, ये होती है, सब अरेंज कर रहा हूँ, बाहर जाता हूँ, मैं कभी घर में मीटिंग्स करता ही नहीं हूँ। और कॉफ़ी शॉप से मेरी ऑफिस है सेंटा क्रूज कॉलोनी में, वहाँ मीटिंग्स होती है मेरी, मतलब मैं घर में बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ घूमने वालों में से हूँ, मतलब आई कैन नॉट सिट एट वन प्लेस। ओके, किरण जी ये जो स्थिति है ये आपको चैलेंज लगता है, इस स्थिति में भी आप काम कर रहे हैं, बाकी लोग तो नहीं? मुझे कोई चैलेंज वैलेंज नहीं लगता है, बस मुझे काम करने, मुझे काम से खुशी मिलती है, मेरे मॉम डैड खुश है, मेरा परिवार खुश है,
तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। देखिए प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होते हैं, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब भी मीटिंग्स के लिए जाता हूँ तो बोलते तू काम करेगा, बोला आपको मेरे काम से मेरे फिजिक्स से मतलब है, मेरे काम से मतलब है, मेरा काम देखो ना। आज इस वही स्टेज पे वही ऑनेस्टी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, मतलब मेरे ऊपर आना मेरे साथ। ओके, तो कुछ चलते चलते कुछ आखिरी आप संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये सब मायने नहीं रखता है? देखिए मायने कोई चीज़ ही रखती है, जब तुम अगर दिल से सोच लेते हो, बस शुरू तो करो, एक बार शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक दुनिया है, ऊपर वाला है आपके साथ। बट डोंट गिव अप, शुरू किया है तो ख़त्म करके छोड़ो उसको। प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं, अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो तुम फेस कैसे करोगे? प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो तुम्हारी लाइफ में मज़ा ही क्या है? ओवर को करो ना वो प्रॉब्लम्स को। आज मुझे मैं जहाँ भी जाता हूँ अकेला जाता हूँ, आई डोंट केयर मेरे साथ कोई हो नहीं हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ शूट करने में ड्राइवर रखता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, ये है वो ठीक है, बट जहाँ भी अगर मीटिंग्स होती है तो मैं अकेला ही जाता हूँ, आई डोंट वेट फॉर एनीबडी। अगर मुझे कहीं घूमने भी जाना है तो आई डोंट टेक, मैं किसी के लिए वेट नहीं करता हूँ, चाहे मॉम डैड आए या नहीं है। मैं कार बुला ले तो मैं अकेले निकल जाता हूँ घूमने के लिए, मुझे ऐसे आई डोंट नीड एनीबडीज कंपनी, मतलब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। ओके, न्यू ईयर आने वाला है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा होगा अगला साल? इस साल तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं आपको, अभी मिलने वाले भी हैं जो और अगला साल क्या होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे न्यू ईयर के लिए? न्यू ईयर तो सब अच्छा ही होगा सर, हम लोग अच्छे हैं, अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलो, काम करो, ऊपर वाले के आशीर्वाद लेते जाओ तो अच्छा ही होना है। अगर तुम नेगेटिविटी लाओगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव लाते चलो तो पॉजिटिव होगा। और न्यू ईयर में मेरा प्लान है कि शायद मैं मेरी बायोपिक के ऊपर भी काम करूँगा और बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज करूँगा। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।